नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, खेल और व्यापार समाचार पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा से संविधान SC ST आदेश, दूसरा संशोधन विधेयक पारित। जनजातीय समुदाय और क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार। SC ST आदेश, तीसरा संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा। जलवायु परिवर्तन को लेकर नीतिगत स्तर पर काम करने पर जोर। प्रदूषण की प्रभावी निगरानी, स्वच्छ ऊर्जा में अधिक निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा। लादेन की मेजबानी करने वालों को उपदेश देने का हक नहीं। UNSC में खुली बहस के दौरान बोले विदेश मंत्री, कहा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का किया जा रहा है दुरुपयोग। नीरव मोदी की भारत वापसी का रास्ता साफ, ब्रिटेन में नहीं बचा कोई भी कानूनी विकल्प। प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में आखिरी अपील खारिज। और चटगांव टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। 404 रन के जवाब में बांग्लादेश का पहली पारी में 133 रन पर 8 विकेट। कुलदीप यादव का ऑलराउंड प्रदर्शन। और आइए खबरें विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ने और उन तक सुविधाएं पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु की दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने वाला विधेयक इसका प्रमाण है। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश, दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये समुदाय आजादी के बाद से ही लंबे समय तक नजरअंदाज किए जाते रहे। ऐसे में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, इस भावना के साथ ये विधेयक लाया गया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से इन वंचित वर्ग के लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत न्याय मिलने जा रहा है। मंत्री के जवाब के बाद निचले सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। तमिलनाडु प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 21 लाख 2011 के जनगणना के अनुसार, और यदि इस समुदाय की बात की जाए तो लगभग कुल मिलाकर के इसके लगभग समुदाय 27,000 है। यह समुदाय संख्या अधिक नहीं है, लेकिन जो लोग रहने वाले हैं उस तक पहुंचना कितना ज़रूरी है यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार महसूस करती है कि वैसे जगहों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले और उन्हें हम समझ सके, उनका समाधान कर सके। और आज तमिलनाडु के ऐसे आबादी जो मात्र हजारों की संख्या में है उनको न्याय देने का काम हो रहा है। राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने बार बार आने वाली बाढ़, चक्रवात, ग्लेशियर पिघलने जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभावों को लेकर गहरी चिंता जताई। सदन ने इस बात पर सहमति जताई कि इससे निपटने का दायित्व अकेले सरकार पर नहीं डाला जा सकता और समाज के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव और उसके समाधान के लिए उपचारात्मक कदमों की आवश्यकता विषय पर उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा हुई, जिसमें हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जहां व्यक्तिगत स्तर और नीतिगत स्तर पर काम किए जाने की आवश्यकता है, वहीं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी निगरानी, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक निवेश समेत कई मुद्दों पर सदन का ध्यान दिलाया गया। What was in 2000 and what is in 2020, we can see the variations. The threat has increased. The alarm bell is ringing like anything. I don't think 50 years waiting, how far? So I think the measures have to be very urgent.
and very immediate. In daily life also we can contribute. We can also contribute at policy level, but the most important is that to curb this, we'll have to come with very drastic steps. And India has committed to these steps internationally on these COP 27 and 26 fora. हम नेचर से अपने को अलग रख के नहीं देख सकते. और आप सोचिए कि आज विज्ञान ने भी बात माना. सिर्फ 60-70 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो कोई कहता कितने अनसाइंटिफिक हो, कितनी बेकार की बात कर रहे हो, हीट कंडक्शन के रूल नहीं जानते, कुछ मीटर हीट नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर कैसे जा सकती है. आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ भी पिघल सकती है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज ए सिंगल कॉस्मिक यूनिट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स of existential crisis simply because of the fact that economists don't account for it. Economic model, factors of production do not take into account climate related impact. And therefore, even economists have expressed concern now that the economic growth model has to change. बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 40 तक पहुंच गया. संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया. बीजेपी सांसदों ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की और केंद्रीय दल भेजकर रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध भी किया. बीजेपी ने केंद्र सरकार से राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने, महागठबंधन सरकार के विरुद्ध उचित कदम उठाने और राज्य पुलिस पर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया. मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है. ज्यादातर लोगों की मौत जिला मुख्यालय छपरा में स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. 40 लोगों से भी ज़्यादा की मौत हो गई छपरा में. पहले तो प्रशासन के लोग उस मौत को छिपाना चाहे और उन्होंने प्रयास यह किया कि यह मौत बीमारी से हुई है, ऐसा उन्होंने प्रचार शुरू किया. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस देश ने अलकायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित पनाहगाह दी और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसे संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली संस्था में उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों, फिर चाहे वो महामारी हो, जलवायु परिवर्तन हो, संघर्ष हो या आतंकवाद हो, के खिलाफ प्रभावी प्रतिक्रिया देने पर निर्भर करती है. संशोधित बहुपक्षवाद पर भारत के हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एस जयशंकर ने कहा कि आज हमारा ध्यान स्पष्ट रूप से बहुपक्षवाद में सुधार की तात्कालिकता पर केंद्रित है. स्वाभाविक रूप से हमारे पास विशेष विचार होंगे, लेकिन कम से कम एक सहमति बन रही है कि इसमें और देरी नहीं की जा सकती. द क्रेडिबिलिटी ऑफ द UN डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द की चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स, बी इट पैंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेररिज्म. व्हाइल वी सर्च फॉर द बेस्ट सॉल्यूशंस, व्हाट आवर डिस्कोर्स मस्ट नेवर एक्सेप्ट is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारस से मुलाकात की और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिलकर काम करने पर विचारों का आदान प्रदान किया. एंटोनियो गुतारस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और यूक्रेन संघर्ष पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद परिसर में युवा उद्यमियों को संबोधित किया. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य हमारी जीवन शैली हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इसकी परंपरा और संस्कृति में हैं. भारत की विविधता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है और हमारा लोकतंत्र इसी विविधता पर फलता फूलता है. लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय युवाओं की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के युवा अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, योग्यता और समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बल पर देश की प्रगति में नए आयाम जोड़ रहे हैं. हमारी लोकतंत्र शासन पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है
और आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश के अंदर भी लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 17 आम चुनाव और 300 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव के बाद जो जनता का जनमत रहा और सहज रूप से जिस तरीके के सत्ता का हस्तांतरण होता है, ये दुनिया के अंदर भारत में ही ये लोकतंत्र के कारण संभव हो पाया। हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी हाउस में आयोजित एट होम रिसेप्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सेना प्रमुख समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि सरकार अंतिम छोर तक हवाई संपर्क पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके तहत उड़ान योजना में टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात ऐसे समय में हुई जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित श्रीलंका के वरिष्ठ राजनीतिक और रक्षा नेतृत्व के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में अवैध लाभ हासिल करने के आरोप में कोई प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी सबूत न होने की सूरत में किसी लोक सेवक को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में गोधरा में ट्रेन कोच को जलाने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एक दोषी फारूक को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वो पिछले 17 वर्षों से जेल में है। सरकार ने IRCTC में 5% तक हिस्सेदारी बेचने के लिए बिक्री की पेशकश शुरू कर दी है। शेयर का न्यूनतम मूल्य 680 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। ये पेशकश संस्थागत निवेशकों के लिए शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऋण राहत, क्रिप्टो करेंसी का विनियमन और जलवायु वित्त में ठोस प्रगति कर सकता है। वो G20 के तहत के लिए भारत में है। भारत लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित वैश्विक अंतर सरकारी निकाय से ईरान को बाहर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। प्रस्ताव को 8 के मुकाबले 29 रिकॉर्ड मतों से स्वीकार किया गया। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की तर्ज पर स्विस नेशनल बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ने नीतिगत दर में 0.50% की वृद्धि की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन फ्रांस फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। रविवार को फाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। और आइए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए संसद टीवी। वी विल फोकस ऑन इंडियाज strategic partnership with Germany. Technology and economy remain the critical core of Germany's
for policies in which India is a partner. The most important is to see that how this green and sustainable partnership can transform India's growing economy. भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा. G20 is going to be a very important occasion. This is also beneficial to the state. How the act is related to the constitution amendment. क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है. आपको हम अपनी ओर से पूरा पूरा सहयोग देंगे. इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाई है ये बताएं. अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845. I think being bold enough to accept that the standing committee has made an improvement on the original bill. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं आज की खबर. बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच एयर इंडिया की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई. इस उड़ान सेवा का परिचालन हफ्ते में 3 दिन होगा. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के संबंध में मुलाकात की. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ऐसे ही 10 कार्यालय बना रही है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है. पदयात्रा के 99 दिन पूरे हो चुके हैं. राहुल गांधी अब तक 2800 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा कर चुके हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड में 2 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधी दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़ की समस्या को लेकर चर्चा की गई. बैठक में परेशानियों को दूर करने के बारे में चर्चा की गई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर उनकी अर्जी को खारिज किया गया था. गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी और उसके एक साथी को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. भारत ने फ्रांस से सभी 36 रफेल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं. 36वां रफेल विमान आज भारत पहुंचा. फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायु सेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया. भारत और फ्रांस के बीच 2016 में रफेल विमान समझौता हुआ था. इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 रफेल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था. 5 रफेल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी. और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से.
भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तब एक और झटका लगा जब लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित है। लंदन में रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में न्यायमूर्ति जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और न्यायमूर्ति रॉबर्ट्स जे ने फैसला सुनाया। अपीलकर्ता नीरव मोदी के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है। पिछले महीने 51 वर्षीय हीरा कारोबारी की मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अपील खारिज कर दी गई थी। नीरव मोदी मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से लंदन के वेंट्सवर्थ जेल में बंद हैं। व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद कोविड 19 से जुड़ी बड़ी पाबंदियों को चीन द्वारा वापस लेने के लगभग एक पखवाड़े के बाद देश बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की लहर से जूझ रहा है। बीजिंग में कुछ अन्य शहरों में क्लिनिक में मरीजों की भीड़ है, फुटपाथ तक मरीजों की कतार लगी है, लोग कड़ाके की ठंड में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जारी वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कई लोग अपनी कारों में और क्लिनिक के बाहर पार्किंग में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तेज बुखार वाले लोग क्लिनिक के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश अपार्टमेंट ब्लॉक में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पार्टियों के आपसी विरोधों को खत्म कर तीन पक्षीय बहुमत वाले गठबंधन की सरकार बनाई। गठबंधन में लिबरल पार्टी के नेता और एक पूर्व प्रधानमंत्री को प्रमुख पद दिए गए। ये 44 वर्षों में पहली बार ऐसी मध्यमार्गी सरकार का गठन किया गया है। इस गठन ने दो गुटों के दशकों से एक दूसरे का विरोध का अंत किया। गठबंधन में लिबरल पार्टी नेता जैकब एलेमैन ज्वेंसेन को रक्षा मंत्री बनाया गया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड्स लोके रासमुसेन को विदेश मंत्री बनाया गया। सरकार के 23 मंत्रालयों में से फ्रेडरिक्सन के सोशल डेमोक्रेट्स को 11 मंत्रालय मिलेंगे, जबकि लिबरल्स को 7 और मॉडरेट्स को 5। नवंबर में आम चुनाव संपन्न हुए हैं और 42 दिनों तक चली बातचीत के बाद सरकार के लिए नए गठबंधन का मंगलवार को ऐलान किया गया। संसद की कुल 179 सीटों में से तीनों दलों के पास 89 सीटें हैं। और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे चटगांव टेस्ट मैच में भारत ने पकड़ बना ली है। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 133 रन पर 8 विकेट गंवा दिए। अभी वो भारत से 271 रन पीछे है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 8 विकेट पर 133 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर मेहंदी हसन मिराज 16 जबकि इबादत हुसैन 13 रन बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम अब भी भारत की पहली पारी के 404 रन के स्कोर से 271 रन पीछे है, जबकि उसके सिर्फ 2 विकेट बाकी हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटकाए। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 404 रन बनाए। भारत के लिए दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 58 रन बनाए जबकि कुलदीप यादव ने भी 40 रन का योगदान दिया, जिससे भारत 400 रन के स्कोर को पार करने में सफल रहा। भारत ने दिन की शुरुआत 6 विकेट पर 278 रन से की। भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा ने 90 जबकि श्रेयस अय्यर ने 86 रन की शानदार पारी खेली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बर्फबारी के बीच लंदन के चिड़ियाघर में जानवरों की मस्ती की तस्वीरों के साथ। इसका लुत्फ उठाइए, दीजिए इजाजत। नमस्कार।